बात कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल फॉर्म टॉपिक है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्म क्या होता है समझिएगा, किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है। जैसे लाइन का भी स्टैंडर्ड इक्वेशन था, उसको हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन में रहे ना रहे आपको लाना पड़ता था। उसी तरह प्लेन का भी एक कहानी है। ये प्लेन है, देखो पिक्चर ऐसे देखना, ये प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो किसी भी चीज का इक्वेशन निकालना है तो उसके बारे में कुछ बताएगा तब ना, जैसे आपके बारे में बताएगा तब हम जानेंगे कि आप कौन सा स्टूडेंट है। तो हमको नॉर्मल फॉर्म है, टॉपिक हमारा है नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म जो है, ये नॉर्मल फॉर्म कुछ नहीं है, हमारे पास एक प्लेन है जिसका ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब जीरो जीरो जीरो, ओरिजिन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी डी स्मॉल डी, और ये ओरिजिन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डी है, और ये वेक्टर जो है वो एन कैप है, एन कैप मतलब एन कैप यूनिट वेक्टर है, बस इतना ही मालूम है। उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी है। सुनिएगा, हमको एक प्लेन का इक्वेशन चाहिए जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन कहीं भी हो सकता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है जीरो जीरो जीरो, ओ से परपेंडिकुलर डाले, ये ओ एन नाम देते हैं, ओ से उस प्लेन पे परपेंडिकुलर डाले, तो उसका एक ही चीज मालूम है, वो डिस्टेंस मालूम है जिसको स्मॉल डी बोला गया, और वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका डायरेक्शन एन कैप है, क्या है एन कैप, और कुछ नहीं मालूम है। एन कैप क्या है, एन कैप है यूनिट वेक्टर, क्या है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, जो कहां है प्लेन पे परपेंडिकुलर, फ्रॉम कहां से, ओरिजिन से, बस यही हमको पता है, तब हमको प्लेन का इक्वेशन चाहिए। तो सुनिए, हमेशा प्लेन के इक्वेशन के लिए, हमेशा प्लेन के इक्वेशन के लिए अपने से एक पॉइंट पी लेते हैं, अपने से एक पॉइंट पी लेते हैं, ये हमारा पी जो कोऑर्डिनेट है वो आपको पता है, उस पी को ओरिजिन से मिलाएंगे, और इस पी को जब ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये ओपी वेक्टर को आर वेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे ओपी वेक्टर को, आर वेक्टर, समझिएगा अच्छे से। हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास बस यही था कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाले थे उसका डायरेक्शन था एन कैप, और वो डिस्टेंस था डी। तुमको अब एक पॉइंट पी लेना है, हमेशा एक पॉइंट पी लेना है, ये जो पी पॉइंट है वो प्लेन पे होगा, उस प्लेन पे जो पॉइंट होगा वह पॉइंट एक्स वाई जेड होगा, उसको स्मॉल आर वेक्टर बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हमको ओ एन वेक्टर के बारे में जानना, ओ एन वेक्टर के बारे में, बोर्ड पे देखिएगा, ओ एन वेक्टर, ओ एन परपेंडिकुलर है, उसका डिस्टेंस डी है और डायरेक्शन एन कैप है, तो सीधे इसको d मतलब मैग्नीट्यूड और n कैप का मतलब डायरेक्शन होता है, तो ओ एन वेक्टर हो जाएगा d n कैप, op वेक्टर हो जाएगा r वेक्टर, तो हम चाहते हैं np वेक्टर निकालना, तुमसे ऐसा ही np पूछ रहे हैं, तुम तुरंत बोलोगे np वेक्टर भैया कुछ नहीं है, इतना आसान तो है, op माइनस ओ एन, तो आप लिखोगे r माइनस d n कैप, ये आ गया आपको np वेक्टर। अब ध्यान से देखो एनपी वेक्टर जो है वो क्या है, बोर्ड पे एन है, बोर्ड पे ही पी है, लेकिन ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाले हैं वो एन पे 90 बना रहा था, बोर्ड पे अगर किसी भी पॉइंट पे अगर कोई चीज आके 90 बनाएगा, इस बोर्ड पे अगर ये पेन आके 90 बना रहा है, तो बोर्ड का हर पॉइंट पे वो क्या बनाएगा, 90 बनाएगा, तो बोर्ड का अगर एक पॉइंट पे भी 90 बना रहा है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ओएन वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा एनपी वेक्टर। अब इतना दिमाग तो सबको है, नहीं है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। ओ एन वेक्टर, देखो डायग्राम दिखा नहीं सकते, 3D है ना, तो हम बाहर से परपेंडिकुलर नहीं ला सकते, बोर्ड से ही लाके दिखाए हैं, तो ओ एन वेक्टर परपेंडिकुलर होगा एनपी पे, तो ओ एन वेक्टर डॉट एनपी वेक्टर इक्वल टू जीरो होगा, जो पढ़े हैं ओ एन वेक्टर कितना है देख लीजिए, ओ एन वेक्टर कहीं होगा डी एन कैप, बीच में कौन है डॉट, एनपी वेक्टर क्या है आर माइनस डी एन कैप इसकल टू कितना जीरो। अब आपको सिंपल सा डॉट करना है, ये डी जो है मैग्नीट्यूड है, ये डॉट कैसे होगा आर वेक्टर डॉट एन कैप, डी चला गया जीरो में, माइनस डी एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर कितना जीरो, देख लीजिए वो डी है कांस्टेंट, वो जीरो में चला गया, पर ये वेक्टर है तो बीच में डॉट का साइन है, एन वेक्टर आर के साथ डॉट होगा, एन वेक्टर एन के साथ डॉट होगा, तो आर डॉट एन कैप
माइनस डी इज इक्वल टू जीरो, कुछ लोग पता होगा एन वेक्टर को एन के साथ ही डॉट करोगे तो वन देगा, तो यहां से यही फॉर्मूला है। जैसे डेरिवेशन किए हम, डेरिवेशन इसलिए किए क्योंकि तुम लोग को हम पढ़ा रहे ट्यूशन, और ट्यूशन में सब कुछ बताना पड़ता है, नहीं तो हम सीधे फॉर्मूला लिखते आर वेक्टर डॉट एन कैप वेक्टर इज इक्वल टू डी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, यही होता है नॉर्मल फॉर्म किसका, प्लेन का। ये नॉर्मल फॉर्म होता है प्लेन का, जिसको जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं आया सेकेंड टेंस फिर से बता इसका। चलिए ये है वेक्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। सुनिएगा हम इसे कार्टेशियन दिखाते हैं, कार्टेशियन दिखाते हैं, समझिएगा। आर के जगह क्या लिखिएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डॉट एन कैप है, एन कैप की जगह एल आई। कुछ लोग नहीं समझते हैं एल का मतलब, एल का मतलब डायरेक्शन कोसाइन, कुछ लोग बोलता है इक्वल टू डी, कुछ लोग बोलता है एल एम एन क्यों लिखे, हमको पता है एन कैप है यूनिट वेक्टर, तीनों का स्क्वायर करने पे वन होना चाहिए। अब डॉट करो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, यही फॉर्मूला होगा कार्टेशियन फॉर्म में। दोनों को स्टार मार लो, ये नॉर्मल फॉर्म, ये भी नॉर्मल फॉर्म, पर ये कार्टेशियन, कार्टेशियन मतलब इसमें वेक्टर का काम नहीं दिख रहा है, कार्टेशियन, और ये क्या है वेक्टर। एक सिंपल सा क्वेश्चन बात करते हैं, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आपको एकदम अच्छा से समझ में आए। लिपि, मेघा, सारिका, जितनी लोग है, प्रेरणा, अगर क्लास कर रहे हैं तो एक्टिव रहिएगा। अपना उधर क्या है, मयंक, बिट्टू शर्मा तो क्लास करता नहीं है, करता तो कभी कुछ पूछता, चलिए नहीं कर रहा, अच्छा बात है, हमको क्या है, ऐसे भी मोहल्ला से निकल गए, टेंशन ले लेंगे, पास तो करिए जाएगा, इज्जत मेरा जाएगा बस। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, सिंपल क्वेश्चन देते हैं, इजी से इजी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का यही टॉपिक था नॉर्मल फॉर्म, अभी प्लेन कुछ नहीं पढ़ा है, अभी आपने स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, नॉर्मल फॉर्म, प्लेन का आज हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल फॉर्म। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हम मिटा रहे हैं, इधर मिटा रहे हैं सब कुछ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस डी बराबर 6/√29। सिंपल क्वेश्चन, ये एग्जांपल नंबर 13 है। एक प्लेन का इक्वेशन बताइए जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 6/√29 है, और एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर जिसको बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, वो भी कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, जिसका नाम हम देने जा रहे हैं एन वेक्टर, जिसका नाम एन वेक्टर दे रहे हैं। एन वेक्टर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो है पर ये यूनिट नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, तुरंत सेकेंड क्वेश्चन देंगे। ये क्वेश्चन है, बोलता है कि ये डी ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है, और एन वेक्टर बोर्ड पे 90 बना रहा है, बोर्ड पे वो भी कहां से, ओरिजिन से, तो हमको पता है फॉर्मूला ये होता है, आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी, तो तुमको एन डी मालूम है, नून हम जानते हैं, एन कैप नहीं जानते हैं, काहे नहीं जानते हैं, अभी हमको एन वेक्टर दिया हुआ है, एन कैप का फॉर्मूला याद होगा, एन वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड, जिसको जिसको याद है ठीक है, जिसको नहीं याद है याद कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 3j प्लस 4k डिवाइड में 4 प्लस 9 प्लस 16, 2/√29i माइनस 3/√29j प्लस 4/√29k, ये जो भी चीज है ये एन कैप है, तो फॉर्मूला होगा आर वेक्टर डॉट एन कैप की जगह 2/√29i माइनस 3/√29j प्लस 4/√29k और इक्वल टू 6/√29। इसको और कैलकुलेशन मत कीजिएगा, ये प्लेन का इक्वेशन है, वो भी किस फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में है। नॉर्मल फॉर्म में जब भी इक्वेशन होगा ये वाला यूनिट वेक्टर होगा, और ये ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नॉर्मल फॉर्म में जब भी कोई इक्वेशन होगा उसका मतलब होगा आर वेक्टर, आर इक्वेशन में रहता ही रहता है, डॉट
जैसे इक्वेशन में एक्स वाई जेड रहता है, वेक्टर इक्वेशन में आर दिखता है, डी ओरिजिन से डिस्टेंस, अगर डी नहीं दिया रहता तो ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते हम लोग, पर डी ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है। एन कैप यूनिट वेक्टर, जब क्वेश्चन में हमको एन वेक्टर दिया हुआ है, एन वेक्टर है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वन नहीं है, ये 90 बना रहा है पर इसका मैग्नीट्यूड वन नहीं है, तो उसको हम एन कैप निकालेंगे। जब एन कैप मालूम चल जाएगा, डी मालूम है, तो फॉर्मूला में आराम से बैठाएंगे आर डॉट एन कैप बराबर डी। इसके बाद चूंकि क्वेश्चन में वेक्टर बोला है तो कार्टेशियन में चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, सेम क्वेश्चन देने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं सबसे बनेगा। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहीं डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो किस पे प्लेन पे क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आर डॉट सिक्स आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के, ये प्लेन का इक्वेशन है, आर डॉट सिक्स आई प्लस थ्री जे माइनस थ्री जे माइनस टू के, माइनस टू के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये प्लेन का इक्वेशन है। तो बोलता है अगर प्लेन का इक्वेशन है, क्वेश्चन यही है, प्लेन का इक्वेशन है तो हमको बस डायरेक्शन कोसाइन बताइए, हमको डायरेक्शन कोसाइन बताइए, वो भी किसका, प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल मतलब समझते हो परपेंडिकुलर, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बताइए, इस प्लेन का ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो बताना है। तो सुनिए, आपको नहीं बनाना है, हम समझाते हैं। हम फॉर्मूला पढ़े हैं आर डॉट एन कैप, अगर r डॉट n कैप बराबर d है तो ये जो n कैप है ये कहलाता है यूनिट वेक्टर, क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर, और ये परपेंडिकुलर टू क्या होता है, प्लेन होता है। पर आपके पास जो इक्वेशन है वो r डॉट तो है, ये 6i है, माइनस 3j है, माइनस 2k है, तुम बोलोगे ये प्लस 1 को उधर भेज दे तो क्या होता है, लेकिन दिमाग में याद रखना उस साइड डी है, डी का मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, उधर माइनस है तो माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करके उस माइनस को प्लस कर लेना। फिर से समझाते हैं, ये हमारा जो इक्वेशन है ये प्लेन का इक्वेशन है, लेकिन ये प्लेन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में होने का दो नियम होता है। पहला, आर के बगल में जो है डॉट जो है एन, वो यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर, पर ये जो आर डॉट है माइनस सिक्स आई प्लस थ्री जे प्लस टू के, कुछ लोग समझ गया होगा क्यों ऐसा कर दिए, वन हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन तुम बोलोगे भैया आप तो फॉर्मूला दिख रहा है आर डॉट, लेकिन जो बगल में है, ये जो बगल में है ये एन कैप नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वन नहीं है, तीनों का स्क्वायर करो तो रूट सिक्स का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 9 तो 49 का 7, इसका मैग्नीट्यूड 7 है, तो इसको यूनिट वेक्टर होने के लिए दोनों साइड डिवाइड कीजिएगा, कितना से डिवाइड कीजिएगा, माइनस सिक्स बाई सेवन आई प्लस थ्री बाई सेवन जे और प्लस टू बाई सेवन के, जब इधर डिवाइड किए हैं तो इधर भी वन बाई सेवन। अब ये जो इक्वेशन है ये भी प्लेन का इक्वेशन है, पर ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में, किस फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में, तो नॉर्मल फॉर्म में जब इक्वेशन आ जाता है तब उस वाले को डी बोलते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस, अभी ये वन डिस्टेंस नहीं था, ये कांस्टेंट था। तो बताओ, तुमसे दो चीज पूछा था, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन पूछा था, डायरेक्शन कोसाइन पूछा तो आप डायरेक्ट लिखोगे माइनस सिक्स बाई सेवन, देख लो इसके बगल में जो है, फिर थ्री बाई सेवन और टू बाई सेवन, ये डायरेक्शन कोसाइन किसका है, जो प्लेन के ऊपर 90 बना रहा है। लेकिन अगर शुरुआत में इसको बोलते, ये तीनों को डायरेक्शन कोसाइन नहीं बोल सकते हैं, इस तीनों को उस समय हम डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं, कोसाइन का नियम होता है, तीनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो क्या देगा, वन, तो ये डायरेक्शन कोसाइन है। और डी, डी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ओरिजिन से, शुरुआत में ये प्लस वन था, उधर भेजा तो माइनस वन हुआ, वो कॉन्स्टेंट है, वो कभी भी डिस्टेंस नहीं हो सकता, डिस्टेंस होने के लिए पहला काम इस फॉर्मूला में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आ जाता है तो ये डिस्टेंस कहलाएगा, डिस्टेंस का वैल्यू ओरिजिन से डिस्टेंस जो है हमारा 1/7, जो समझ में आया जल्दी से नोट कीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी बात चलेगा और समझ में आया जल्दी से बताइए, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, ये हमको प्लेन का इक्वेशन है, ये प्लेन का इक्वेशन है, अभी तक हम लोग नॉर्मल फॉर्म पढ़े हैं और नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर फॉर्म पढ़े थे, और कार्टेशियन, कार्टेशियन का ये होता था एलएक्स प्लस
my plus nj is equal to d. ये प्लेन का इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म क्या कहलाता था? ये नॉर्मल फॉर्म जब कहलाता था, ये तीनों क्या कहलाता था? एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन. जो प्लेन पे क्या बना रहा है? 90 बना रहा है. डी क्या बताता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी कहां से? ओरिजिन से. कहां से? ओरिजिन से. देखो ये क्वेश्चन में 2x - 3y + 4z = 6. तुम बोलेगा भैया उसी फॉर्म में तो आ गया, आप तो इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये तीनों का स्क्वायर करने पे 1 होना चाहिए. यहाँ 2 है, -3 और 4 है, तीनों का स्क्वायर करने पे 1 नहीं आएगा. इस तीनों को हम लोग डायरेक्शन क्या बोल सकते थे? रेशियो. क्या बोलते थे? डायरेक्शन रेशियो. और ये 6 एक तरह का क्या कहलाता? कॉन्स्टेंट कहलाता. इसको हम डी नहीं बोल सकते. डी तब बोलेंगे जब इस फॉर्म में आएगा. तो सुनो, इस फॉर्म में आने का एक ही नियम है, तुमको अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन में बताए थे. तीनों को स्क्वायर करो. कितना होगा 2 का स्क्वायर? 4 + 9 + 16. ये तीनों का स्क्वायर करो, ये क्या हो जाएगा? 29. तो अब यहां पर कुछ मत करो. 2 √29 - 3 √29 + 4 √29 = 6 √29. तुम बोलोगे भैया ये तो आप बहुत सुंदर सा लिख दिए, इससे क्या हुआ भैया? ये कुछ नहीं हुआ, ये बस उसी प्लेन का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म. क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म. तो अब अगर तुमको एल एम एन पूछता, LMN हो जाता 2 √29 - 3 √29 और 4 √29. तो कभी भी प्लेन का इक्वेशन देख के, ये प्लेन का इक्वेशन है, ये प्लेन का इक्वेशन है, इस प्लेन के इक्वेशन को देख के तुम डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो. क्या बता सकते हो? डायरेक्शन रेशियो. डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा प्लेन के ऊपर, उसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो 2 होगा, -3 होगा और 4 होगा. और कुछ नहीं बता सकते हो. प्लेन को देख के बस यही बताया जा सकता है. लेकिन प्लेन को जब नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेंगे, किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में. तब आप दो चीज बता सकते हो. पहला बता सकते हो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको आप बी नाम दिए हो, और बता सकते हो डायरेक्शन कोसाइन. तो हम इस इक्वेशन को देखे तो हमको पता चला कि तीनों को स्क्वायर करने पे 1 नहीं आ रहा है, मतलब ये तीनों एल एम एन नहीं है. तो इस तीनों का स्क्वायर करके जो भी चीज आएगा उससे दोनों साइड डिवाइड कर दीजिएगा. डिवाइड करने पे अब इस तीनों को स्क्वायर करके देखिएगा, ऐड कीजिएगा, 1 दे देगा. तो ये तो एल एम और एन, और उधर वाला क्या हो गया? डी. बस यही कहानी है. ज्यादा परेशान कीजिएगा तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे. चलिए आगे है, ये जैसे खत्म होगा क्लास खत्म हो जाएगा. हमारे पास 13 मिनट है, हमको इसको बताने में 4 से 5 मिनट लगेगा. देखिए ये प्लेन का इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन है, तुमको बोलता है ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डाले हैं. तो तुमको डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, ओरिजिन मतलब होता है 0 0 0. ये जो परपेंडिकुलर डालेंगे इसका नाम एन दिया, इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा. इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और क्या होगा? z1 होगा. बस हमको क्वेश्चन बुक से अलग तरीका है, यहाँ का अलग तरीका. तुमको ये ओ है, ये एन है. तुमको बोला कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया, तो परपेंडिकुलर डालने पे प्लेन में जहां कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट चाहिए. उसका क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट. तो तुम एक बात बताओ, ये प्लेन का इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये किसका इक्वेशन है? तो बताना डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर टू प्लेन. तुरंत बताओ प्लेन के ऊपर जो डायरेक्शन रेशियो है परपेंडिकुलर होगा, वो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशियो. तुम तुरंत बोलोगे 2 - 3 और क्या? कोई भी बोल देगा. फिर तुमसे पूछेंगे डायरेक्शन रेशियो ON. कुछ लोग जानता है डायरेक्शन रेशियो निकालने का, दो कोऑर्डिनेट मालूम है तो डायरेक्शन रेशियो x2 - x1. यहाँ पर x1 y1 z1 है, नीचे 0 है. डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? x1 - 0 y1 - 0 z1 - 0. तुम लोग ये काम कर सकते हो. एक बात बताओ, ये भी डायरेक्शन रेशियो, ये भी डायरेक्शन रेशियो, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर. बोर्ड पे 5 को परपेंडिकुलर डालो, सब परपेंडिकुलर आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा. क्या होगा? तो यहां से बोलोगे देयरफॉर x1 / 2 = y1 - 3 = z1 / 4. ये अपना कॉमन सेंस होना चाहिए. नॉर्मल है, ये भी डायरेक्शन रेशियो है, ये भी डायरेक्शन रेशियो है. ये दो पॉइंट जानता था और ये प्लेन का इक्वेशन जानता था. तो भाई याद रखिएगा, चाहे 10 को प्लेन में परपेंडिकुलर डालिए, चाहे 50 को डालिए, ये बोर्ड पे जब भी परपेंडिकुलर डालिएगा वो आगे की ओर जाएगा, वो परपेंडिकुलर आगे की ओर जाएगा. जितना परपेंडिकुलर सब आपस में पैरेलल होगा. तो पैरेलल का नियम था a1 / a2 b1 / b2 = c1 / c2, और परपेंडिकुलर का नियम था a1 a2 b1 b2 c1 c2 0. यहां से इसका टू क्या मान लीजिएगा बाबा? k मान लीजिएगा. तो x1 = आ जाएगा 2k, y1 = आ जाएगा -3k और z1 = आ जाएगा 4k. तुम बोलेगा भैया
आप तो तीनों कोऑर्डिनेट निकाल दिए, पर इसका क्या फायदा है, यहाँ तो k है। तो सुन लो, ये जो n है, दिमाग लगाओ नहीं तो मर जाओ जाके, ये जो n है ये किस पे है, ये प्लेन पे है, ये प्लेन पे है। तो n जो है सेटिस्फाई करेगा किसको, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन वन को। अभी सब नहीं आता है तो हम क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। n सेटिस्फाई करेगा मतलब इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां x1, जहां जहां y है वहां y1, जहां जहां z है वहां z1। तो 2 × 2k - 3 × -3k + 4 × 4k - 6 = 0। पूरा सोल्व करोगे 29k = 6, तो k बराबर 6/29। तो k निकल गया, जैसे k निकल गया हमको n कोऑर्डिनेट चाहिए था। n कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, सुनो, हमारा जो n कोऑर्डिनेट होगा, ध्यान देना, n जो कोऑर्डिनेट होगा वहां साफ लिखा हुआ है 2k - 3k और 4k। k का वैल्यू ये है, तो 12/29 - 18/29 और लास्ट में 6/24। ये हमारा n का कोऑर्डिनेट होगा। फिर से एक बार बताते हैं, हमारे पास जब भी कोई प्लेन का इक्वेशन हो तो प्लेन को देख के, लाइन को देख के दो चीज बता सकता है, लाइन का डायरेक्शन और लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है। प्लेन को देख के बस एक ही चीज बता सकता है कि लाइन प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो 2, -3 और 4। पर क्वेश्चन पूछा था हमसे कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं कट करेगा, वो जो कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट बताइए। तो ये भी तुमको 90 बना रहा है और ये जो डायरेक्शन रेशियो है वो भी 90 डिग्री वाला का डायरेक्शन रेशियो है। तो ये दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, ऊपर वाला ये डायरेक्ट प्लेन से और ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। देयरफॉर ये कंडीशन लिखने के बाद बराबर क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। तो यहां से x1 निकला, y1 निकला, z1 निकला, ये तीनों कोऑर्डिनेट k के फॉर्म में निकला। इसको इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो वहां से k निकलेगा, उस k के वैल्यू को डाल देंगे तो k का वैल्यू जैसे डालेंगे हमको n निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मीटिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, तबीयत खराब हो